ने वाई फॉस्फोरस एग्जिस्ट एज P4 बट नाइट्रोजन एज M2। देखो व्हेन वी मूव फ्रॉम इन द पीरियोडिक टेबल, जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो हमारा एटॉमिक साइज क्या होता है, एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो हमारा एटॉमिक साइज क्या होता है, इंक्रीज। तो देखो जो ग्रुप 15 एलिमेंट है, सबसे पहले ऊपर आता है नाइट्रोजन, फिर फॉस्फोरस। तो हम ऊपर से जाएंगे तो एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा, मतलब नाइट्रोजन का एटॉमिक साइज छोटा है, फॉस्फोरस का एटॉमिक साइज बड़ा है। और हमें जानते हैं एटॉमिक साइज इज़ इन्वर्सली प्रपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इट मीन्स जो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो ज़्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, फॉस्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। तो अब N2 के केस में N2 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इट मीन्स इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई, इट मीन्स इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं आर स्ट्रॉन्गली बाउंडेड टू नाइट्रोजन, स्ट्रॉन्गली बाउंडेड होंगे इसके इलेक्ट्रॉन्स। और अगर इसके इलेक्ट्रॉन्स स्ट्रॉन्गली बाउंडेड है, इट मीन्स इसके अंदर पी पाई बॉन्ड पॉसिबल है, और इसके अंदर पी पाई बॉन्ड पॉसिबल है, सो इट मीन्स इट इज़ अ स्टेबल। सो नाइट्रोजन N2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, बट फॉस्फोरस के केस में इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, फॉस्फोरस P2 P ट्रिपल बॉन्ड P, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इट मीन्स इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लूजली बाउंडेड होंगे फॉस्फोरस से, इसके लूजली बाउंडेड होंगे इलेक्ट्रॉन्स, इट मीन्स इसके अंदर पी पाई बॉन्ड पॉसिबल नहीं होगा, सो इट मीन्स इट इज़ नॉट स्टेबल। सो इट मीन्स फॉस्फोरस डज नॉट एग्जिस्ट एज P2, ये P2 की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। तो हैंस फॉस्फोरस एग्जिस्ट एज P4 बट नाइट्रोजन एग्जिस्ट एज N2। जब फॉस्फोरस P2 की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता बट ये P4 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और इसकी स्ट्रक्चर होती है